ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी आर लर्निंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। और लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि कैसे सुपर पोजिशन से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, एंड वी कैन अवॉइड इंटीग्रेशन, राइट। उसमें हमने एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, इसके बेस के डायमीटर के, वो ठीक है। तो अभी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और ज्योमेट्री से देखते हैं मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो डिस्कशन है हम लोगों का वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पिरामिड शेल, थिन पिरामिड शेल। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो, पिरामिड शेल जब होगा तो इसका जो है कुछ तो इंक्लिनेशन होगा। अगर इसके ऊपर छोटा सा पैथ इमेजिन करूंगा, ये डीएस एरिया का पैथ इमेजिन करूंगा, इसका वर्टिकल से कुछ तो थीटा एंगल होगा। कैन यू सी दैट, वो पैच जहां मर्जी हो उसकी नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से थीटा सेम होने वाला है, देख सकते हो। पिरामिड अगर तुमने बना रखा है, यानी रेगुलर पिरामिड है अगर, तो सब जगह देख पा रहे हो कि वो जो एंगल है वो सेम थीटा होने वाला है। एरिया नॉर्मल का वर्टिकल से सब सब फेसेस के लिए सेम एंगल होने वाला, राइट। चाहे वो रेगुलर तुम्हारा स्क्वायर पिरामिड हो, चाहे तुम्हारा रेगुलर पेंटागनल पिरामिड हो, हर एक फेस का एंगल तो सेम ही होगा वर्टिकल से, तो हर पैच का भी एंगल सेम ही होगा, राइट। तो अब इसके अंदर अगर पिचकू थ्योरम लगाते हो तो इस पिरामिड को गिराओगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। देख मां, इसके डस्ट पार्टिकल्स को गिराओगे क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और तुम लोग देख सकते हो कि वो स्क्वायर भी एक होमोजीनियस स्क्वायर होगा, राइट, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का स्क्वायर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो सिंपल ही है, यूनिफॉर्म स्क्वायर का इस वाले एक्सिस के बोर्ड तो हमें पता ही कैसे निकलता है, राइट। वो क्या होता है, इसके और इसके सम के बराबर हो जाता है, जो कि एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 यानी एम एल स्क्वायर बाय 6 हो जाएगी। मेकिंग सेंस, राइट। तो पिरामिड का, पिरामिड शेल का इसके बोर्ड क्या हो जाएगा, वही जो स्क्वायर का होगा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। पिचकू थ्योरम समझ गए, ऐसे पिचकू थ्योरम लगाया और उसके बाद स्क्वायर का, फिर दो पिचकू, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। क्या लिखा, कंसिडर अ पिरामिड शेल डिफाइंड बाय पॉलीगन ऑफ साइड ए, या फिर यहाँ पे मैंने एल लिया हुआ है तो ए हो या एल कर देते हैं इसको, साइड एल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइड एल एज शोन, यहाँ पे शोन में मेरा एल है, ठीक है, हाँ हाँ, एज शोन इन द फिगर। वी विश टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डॉटेड एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकालो। जस्ट एज विद अ कॉनिकल शेल, हियर आल्सो वी अलाउ द डस्ट पार्टिकल्स फॉर्मिंग द शेल टू फॉल टू द ग्राउंड मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस। तो इन सबको गिरा दिया पैरेलल टू द एक्सिस डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, ओके। फॉर्मिंग द शेल टू फॉल विद फॉल टू ग्राउंड मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस। Here we will have a uniform square lamina बन जाएगा uniform, whose moment of inertia we already found in a previous section, ठीक है। Thus here I is equal to क्या हो जाएगा, ml square by 6 हो जाएगा। Square lamina का हम पहले निकाल चुके हैं, ml square by 6 होता है, right? ठीक है। The same technique can be applied to any arbitrary pyramid shell to convert the problem into moment of inertia of a lamina। ध्यान रखना, regular polygon से अगर pyramid बनाया उसके center centroid के just ऊपर अगर लेके, तो फिर तुम्हारा uniform polygon ही बनेगा, है ना। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं है, या फिर मान लो पिरामिड का जो सेंटर है वो थोड़ा उसके मतलब पॉलीगन के ठीक सेंटर के ऊपर नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर उसको गिराओगे तो नॉन यूनिफॉर्म लैमिने बनेंगे, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज रेगुलर पॉलीगन पिरामिड शेल है तो सीधे सीधे उसको गिरा के रेगुलर पॉलीगन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो इस सेक्शन को, अगर डाउट है तो मेरे को बोल सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड पिरामिड, उसका रिलेशन करेस्पॉन्डिंग पॉलीगन से क्या होगा। तो ये मैंने तुमको कल वैसे मेंशन भी किया था, मैंने क्या बताया था, इट इज गोइंग टू बी 3/5 इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग पॉलीगन। जैसे सर्कल के लिए मैंने बताया था क्या होता है, 3/10 एमएम स्क्वायर होता है, और सर्कल सर्कल क्या है, डिस्क का पिरामिड है, राइट। सॉरी, जो कोन है, सॉलिड कोन क्या है, सॉलिड कोन डिस्क का पिरामिड है, राइट। तो डिस्क का 1/2 एमआर स्क्वायर होता है, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करके 3/10 एमआर स्क्वायर आ गया। तो मेरा क्या क्लेम है कि नॉट ओनली फॉर सर्कल, कोई भी आर्बिट्री पॉलीगन से, पॉलीगनल लामिना से तुमने कोन डिफाइन किया, यानी पिरामिड डिफाइन किया, तो क्या हो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पॉलीगन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉलीगन लामिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू 3/5, वो फॉर्मूला वैसे इसी फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो अभी ध्यान से देखो क्या लिखा, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉलीगन इज एम के स्क्वायर, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सॉलिड पिरामिड विल बी 3/5 एम के स्क्वायर। ये क्लेम, फॉर एग्जाम्पल फॉर द डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/2 एमआर स्क्वायर, फॉर द सर्कुलर पिरामिड that is solid cone MI is 3/5 into 1/2 mR square, that is 3/10 mR square. This can be shown using some geometry and calculus. So, इसको geometry और calculus use करके मैं अभी show करने वाला हूँ, ठीक है? Let the formula for polygon MI be K times NA square. तो मान लेते हैं polygon का जो मेरे K into M into A square है, A अगर polygon का side है, ठीक है? और K मेरा कुछ proportionality constant है, और ये तो पता ही ना, MA square के proportional होगा, K कुछ भी होगा, वो depend करेगा क्या polygon की shape है, right? तो देन फॉर आवर एलिमेंट डीआई क्या हो जाएगा, आप सोच के देखो, अगर यहाँ पे वाई हाइट पे मैंने डीवाई थिकनेस का एलिमेंट ले लिया, तो ये भी तो पॉलीगन जैसा ही है ना, तो इस पॉलीगन का अगर मास डीएम है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, अगर ऊपर वाले स्क्वायर की साइड ए है तो ये तुम्हें पता है सिमिलर ट्राइंगल से इसकी साइड क्या हो जाएगी, तुम्हें पता है
ये अगर ये ट्राइंगल की बात करूं और ये ट्राइंगल की बात करूं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं राइट, या फिर ये पूरे ट्राइंगल की बात करूं और ये पूरे ट्राइंगल की बात करूं तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो साइड्स का रेशियो उसी के रेशियो में पॉलीगन की साइड भी हो जाएगी राइट, ये वाला जो पॉलीगन बना। तो क्या लिखा मैंने, तो डी आई क्या हो जाएगा, के मास की जगह डीएम आ जाएगा और ए की जगह इसका ए कितना हो जाएगा, तो ये हाइट वाई और ये हाइट एच है, तो वाई और एच के रेशियो में होंगे ना, इसकी साइड और इसकी साइड राइट, तो ए इंटू वाई बाई एच, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, के इंटू डीएम इंटू ए वाई बाई एच का स्क्वायर, ये इसका एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ठीक है। अच्छा अब रो मेरा अगर मान लो मास डेंसिटी है तो मास क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इसका मास हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू रो और इसकी साइड क्या है वाई बाई एच इंटू ए, ठीक है ठीक है ना। तो डीएम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ये क्या लिखा है, ये बेसिकली स्क्वायर का एरिया लिखा ठीक है, वो वाले एलिमेंट की साइड क्या हो जाएगी वाई बाई एच इंटू ए, इस एलिमेंट की साइड होगी तो साइड का स्क्वायर इंटू थिकनेस इसकी डी वाई, समझ में आया डीएम, तो उठा के इसके अंदर पुट कर दो तो डी आई क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से समझ में आ रहा ना, इसकी साइड क्या हो जाएगी बाई सिमिलर ट्राइंगल्स, तो अब क्या डी आई क्या हो जाएगा रो इंटू डीएम की जगह ये डाल दिया, सॉरी के तो एज इट इज लिख लिया ये वाला के और डीएम की जगह ये डाल दिया मैंने और ए वाई बाई एच स्क्वायर एज इट इज आ गया, तो ये बन गया ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे उठा के तो दिख रहा है यहाँ पे वाई टू द पावर फोर आ रहा है, तो वाई टू द पावर फाइव बाई फाइव आएगा राइट, और जीरो से एच तक लिमिट डालोगे तो एच टू द पावर फाइव बाई फाइव आ जाएगा, तो मैंने वो इंटीग्रेशन प्रोसेस दिखाई नहीं बट ठीक है ट्रिवियल बात है, उसको बस इंटीग्रेट ही करूँ, तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस तक राइट। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया के रो एट द पावर फोर एच बाई फाइव ये आ गया ठीक है। क्या करता हूँ मैं रो की वैल्यू डाल देता हूँ, तो तुम्हें पता है पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड का वॉल्यूम होता है वन थर्ड बेस एरिया इनटू हाइट, ये किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है राइट, जैसे कोन के लिए क्या होता है वन बाई थ्री पाई स्क्वायर इनटू एच, ये भी चाहो तो कैलकुलस से प्रूव कर सकते हो एलिमेंट लेके ठीक है। तो मास ऑफ द पिरामिड को क्या पुट किया वन बाई थ्री ए स्क्वायर एच इनटू रो, तो बस तो इसको उठा के इसमें पुट कर दो तो रो एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा तुम्हारा थ्री बाई फाइव एम के स्क्वायर, यानी जो भी पॉलीगन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके फॉर्मूले को मेरे को 3 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो करस्पॉन्डिंग पिरामिड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है, सॉलिड पिरामिड। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, सभी को आया समझ में ये क्लियर ठीक है, आ गया समझ में। आप इसकी जगह पिरामिड की जगह मान लो फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड है तो वो भी तुम ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट से निकाल सकते हो, अगर फ्रस्टम मान लो पिरामिड का ये इतना मुंडी उड़ा दिया इसका तो फिर क्या करोगे पूरे पिरामिड में से इतने पिरामिड का तुम माइनस कर दोगे और वो सिमिलैरिटी आर्गुमेंट से इसका कैलकुलेट कर पाओगे कि मास कितना होगा, अगर मान लो ईटा हाइट उड़ा दी तो मास ईटा क्यूब के प्रोपोर्शनल उड़ेगा राइट, उसके हिसाब से इसका भी निकाल सकते हो डायमेंशन जो है वो ईटा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एटसेट्रा, तो पूरे बड़े पिरामिड में से जो उड़ा दिया उस पिरामिड का माइनस कर दोगे तो तुम्हारे फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का आ जाएगा मोमेंटम इनर्शिया ठीक है। एक बार इस सेक्शन को देख लो अच्छे से, कहीं पे भी डाउट है तो मेरे को बोल दो। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक और थ्योरम पढ़ने वाले, ये तीसरी थ्योरम करने वाले अगर पिचकू थ्योरम को थ्योरम मानते हो तो पिचकू थ्योरम किया उसके बाद हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे बॉडीज के लिए लगता है, केवल फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है, केवल लैमिनर ऑब्जेक्ट्स के लिए, थ्री डी ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं लगता है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का सेंटर ऑफ मास से कुछ लेना देना नहीं ठीक है। आई आई जेड क्या होता है आई एक्स प्लस आई वाई और इनको साइक्लिकली एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो ये सारी बात तो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की है। अब अगली जो थ्योरम है हमारी वो क्या है, वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती क्या है, तो मान लो मेरे पास ये कोई आर्बिट्री रिजिड बॉडी है ठीक है, और ये उसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड में से पासिंग एक्सिस के अबाउट मान लो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कोई एक्सिस, फैक्ट सेंट्रॉइड से तो इनफाइनेटली मेनी एक्सिस पास कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन को साइन में राइट, तो मान लो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को साइन में जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेटस है वो मेरा आई बार है, आई बार सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट है। इसी एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस में चाहूं तो पास कर सकता हूं। अब ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल और कितने डिस्टेंस पे, डी डी डिस्टेंस पे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, एम डी स्क्वायर ऐड कर दूं, वेयर एम इज द मास ऑफ द रिजिड बॉडी, तो ये नए वाले एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो स्टेटमेंट समझ में आई पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, क्यों है वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट स्टेटमेंट क्या है ये समझ में आई बात के लिए। सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उससे नए एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कितना ऐड करना है, अगर इन दोनों एक्सिस में डिस्टेंस डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बस एम डी स्क्वायर ऐड कर देंगे तो नए वाले एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ये मेरी स्टेटमेंट है ठीक है। प्रूफ क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। क्या लिखा मैंने, लेट आई बार बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम सेंट्रोइडल एक्सिस ठीक है, यहाँ पे ये बी बी डैश द सेंट्रोइडल एक्सिस ओके, एंड लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस एज अ डिस्टेंस डी फ्रॉम इट,
तो देन आई इज इक्वल टू आई बार प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये मेरी स्टेटमेंट होगी राइट। अब सवाल ये है कि इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ अब देखते हैं। तो प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से ही कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी ज्योमेट्री को इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ ताकि मेरे को एक्सेस जो पॉइंट्स की तरह दिखने लग जाए, समझ गए किस डायरेक्शन से देख रहा हूँ, ऐसी डायरेक्शन से दिख रहा हूँ जिसमें मेरे को एक्सेस जो पॉइंट्स की तरह से नजर आ रहा है ठीक है। अब ये मेरी फिगर है ठीक है, तो ये मेरा सेंट्रोइडल एक्सेस है और ये मेरा नया एक्सेस है ए इन टू द पेज ऐसे करके जा रहे हैं ठीक है। ये मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मास है एम आई और सेंट्रोइडल एक्सेस के रिस्पेक्ट में इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो आर आई है और एक्सिस ए के रिस्पेक्ट में इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आर आई प्राइम है। समझ में आ रहा है कैसे डिफाइन किया मैंने वेरिएबल्स, और इधर से इधर तक का जो पोजीशन वेक्टर है यानी परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस टू द न्यू एक्सिस इज डी वेक्टर, वेक्टोरियली मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। आई होप ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स मैंने कैसे डिफाइन किए। अब मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और रिलेट करूंगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, तो एक्सिस ए के अबाउट क्या हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुझे पता है सिग्मा एम आई आर आई प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा राइट, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है सारे, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर आई प्राइम डिस्टेंस तो सिग्मा एम आई आर आई प्राइम का स्क्वायर। अच्छा इसको मैंने क्या लिख लिया, डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो गया सिग्मा एम आई आर आई प्राइम डॉट आर आई प्राइम। फिर अब आर आई प्राइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आर आई प्राइम इज नथिंग बट योर माइनस आर आई वेक्टर प्लस डी वेक्टर। देखो ध्यान से देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से माइनस आर आई वेक्टर या बोलूँ डी वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, यही तो आर आई प्राइम वेक्टर हो जाएगा। तो यही लिख लिया मैंने, क्या लिखा सिग्मा एम आई आर आई प्राइम को लिखा माइनस डी वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर। समझ में आया क्या, ठीक है आर आई वेक्टर एंड माइनस डी वेक्टर ये मेरा आर आई प्राइम है और इसी को इसी से डॉट कर दिया राइट। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट से चार टर्म्स आएंगे ठीक है। तो क्या क्या टर्म्स आएंगे, तो एक तो डी डॉट डी करोगे तो डी स्क्वायर वाला टर्म आएगा ठीक है, फिर आर आई डॉट आर आई वाला टर्म आएगा तो सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर लिख दिया, फिर बाकी दोनों टर्म बराबर होंगे डी डॉट आर आई और आर आई डॉट डी तो तुम्हारे बराबर ही होते हैं, तो माइनस टू डी डॉट कॉमन निकाल लिया और सिग्मा एम आई आर आई कर लिया। तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डी डॉट आर आई को बाहर डी निकाल के फिर भी समीशन कर ही सकते हैं, वो डी तो हर एक टर्म के साथ सेम आ रहा है। सो आई होप दिस इक्वेशन इज सेटल्ड। नाउ आई हैव थ्री टर्म्स, इसमें से मैं प्रूव करने वाला हूँ कि थर्ड टर्म मेरा जीरो होगा, तो वो कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। बट सिंस जी इज अ सेंट्रोइडल एक्सिस सिग्मा एम आई आर आई मस्ट बी जीरो बिकॉज इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मतलब क्या है कहने का, इमेजिन करना सेंट्रॉइड के रेस्पेक्ट में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, बोलो सेंट्रॉइड के रेस्पेक्ट में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा क्या, दैट विल बी सिग्मा एम आर। इमेजिन करो ये एक एक्सिस मैंने जेड एक्सिस ले लिया ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में तुम्हारा ये आर आई वेक्टर है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा सिग्मा एम आई आर आई डिवाइड बाय सिग्मा एम आई होगा कि नहीं, बोलो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट देख रहे हो वो तो जीरो ही आना चाहिए कि नहीं, इसका मतलब क्या सिग्मा एम आई आर आई अपने आप में जीरो होना चाहिए कि नहीं, बोलो क्योंकि सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में ही तो देख रहे हो ना सिग्मा एम आई आर आई। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, सेंट्रॉइड पे ही बैठ के अगर सिग्मा एम आई आर आई देख रहे हो तो इट मस्ट बी जीरो, इसका मतलब क्या तीसरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यही बात लिखी है मैंने, क्या लिखा बट सिंस जी इज अ सेंट्रॉइडल एक्सिस सिग्मा एम आई आर आई मस्ट बी जीरो बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बट एक्चुअली डिवाइडेड बाय कैपिटल एम लिख देता हूँ ताकि अब ये कोऑर्डिनेट बन गया, अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई मेरी ठीक है। सिग्मा एम आई आर आई बाय कैपिटल एम मस्ट बी जीरो बिकॉज इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एम इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस राइट, इट मस्ट लाई ऑन द सेंट्रॉइडल एक्सिस इटसेल्फ। तो थर्ड टर्म ये है जो मेरा जीरो हो गया ठीक है। तो अब बचा क्या, तो पहला टर्म क्या है तुम्हारा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, ये तो सेंट्रॉइड के अबाउट आई बार हो गया तुम्हारा राइट, और ये क्या हो गया डी स्क्वायर, इससे कॉमन निकालोगे तो एम डी स्क्वायर बन जाएगा राइट ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एम लिखता हूँ क्योंकि मैंने टोटल मास को स्मॉल एम लिया हुआ है, तो लेट्स जस्ट कॉल इट स्मॉल एम ठीक है ओके। सो इट मस्ट लाई ऑन, तो थर्ड टर्म तो जीरो हो गया, तो क्या आ गया ये सिग्मा एम आई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सिग्मा एम आई, और ये क्या हो गया आई बार प्लस एम डी स्क्वायर हो गया, यही मुझे प्रूव करना था ठीक है। अच्छा इससे इसके यहाँ पे देखो अभी कुछ मैंने रिमार्क्स लिखे हैं वो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। पैरेलैक्सिस थ्योरम कैसे नहीं लगानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लगानी है तो एक बात है लेकिन बच्चे बहुत गलत तरह से पैरेलैक्सिस थ्योरम लगाते हैं, ध्यान रखना पैरेलैक्सिस थ्योरम किसी भी आर्बिट्री दो पैरेलैक्सिस के लिए नहीं है। यहाँ पे मान लो एक एक्सिस ए है और ये एक्सिस बी है, कोई भी आर्बिट्री एक्सिस है आपस में पैरेलल है ए और बी एक्सिस, तो ये नहीं है कि बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ए के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सीधे एम डी स्क्वायर ऐड कर दो, गलत है। इस तरह से तुम्हारी इनफाइनाइट रिग्रेस बन जाएगी, इसमें एम डी स्क्वायर ऐड करो इसका जाएगा, इसमें ऐड करो फिर ये तो बढ़ता चला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे नहीं करना है ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंट्रॉइड को इन्वॉल्व करना जरूरी है, सेंट्रॉइड को इन्वॉल्व किए बिना कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं होती। तो अगर मान लो ये कोई एक्सिस ए है और ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है और ये एक्सिस बी है,
तो ए में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एम डी स्क्वायर जी के वोट निकालने के लिए, और जी में फिर एम डी स्क्वायर ऐड करके फिर नया एक्सिस के वोट निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना बिना सेंट्रोइड को इन्वॉल्व किए कोई पैरेलैक्सिस थ्योरम नहीं होती, अगर लगाओगे तो वो गलती होगा। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है समझ में आया ना पैरेलैक्सिस थ्योरम कैसे नहीं लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ नहीं लगानी, लेकिन देखना तो लगा दोगे, एक आध क्वेश्चन में पक्का लगा दोगे। मैं फिर बताऊंगा कि फिर मैं बोलूंगा लाइक वाइज ओल्ड मैन, मैंने बोला था ना। ठीक है, ध्यान रखिए पैरेलैक्सिस थ्योरम कैसे नहीं लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज यहां से क्या समझ में आती है, देखो जरा, दिस शोज दैट आउट ऑफ अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पैरेलल एक्सेस द लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सेस। समझ में आ रहा है ना, ये एम डी स्क्वायर क्वांटिटी या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, तो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सेंट्रोइडल एक्सेस के अबाउट होगा। एक गिवन डायरेक्शन को साइन में आउट ऑफ द इनफाइनाइटली मेनी एक्सेस पॉसिबल इन अ गिवन डायरेक्शन को साइन, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सेस, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन की बात, पैरेलैक्सिस थ्योरम ऑलवेज इन्वॉल्व सेंट्रोइडल एक्सेस and can't be used directly to calculate MI from one axis to another. For instance, if two axes say A and B are located at a distance R AB from each other and DA and DB from the centroidal axis, then IA is not equal to IB plus MRAB square. इसमें flaw समझ में आ रहा है, क्योंकि फिर इस तरह को equality लगा दिया तो A से add कर B में add करके A के लिए, फिर A में add करके B का निकाल लोगे तो फिर वो तो infinite moment of inertia हो जाएगा, series बन जाएगी infinite. ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं करना, ऑलवेज इन ऑल द सेंट्रोइड। ठीक है, करेक्ट तरीका क्या है, आई अबाउट ए विल बी आई अबाउट बी माइनस एम डी बी स्क्वायर प्लस एम डी ए स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आई बी से आई ए निकालना है, रादर ये आई बी से आई ए निकालना, आई ए से आई बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आई ए माइनस एम डी ए स्क्वायर प्लस एम डी बी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एक्सेस टू द अदर एक्सेस, ऑलवेज इन्वॉल्व द सेंट्रोइडल एक्सेस। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा एक रिमार्क मैंने लिखा नहीं है, लेकिन तुम लोग लिख लो, क्या मतलब ध्यान से समझना, ये रिजिड बॉडी है, इससे टी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने एक्सेस ले लिया, मैं क्या करता हूँ जी के ऊपर सेंटर्ड एक पूरा सर्कल बना लेता हूँ। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन में पूरा सर्कल बना लेता हूँ, तो टी डिस्टेंस पे चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, इन सारे एक्सेस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। बात समझ आएगी नहीं, इट डजंट मैटर इन विच डायरेक्शन यू शिफ्टेड सेंट्रोइडल एक्सेस से, डी डिस्टेंस नॉर्थ जाओ साउथ जाओ ईस्ट जाओ वेस्ट जाओ किसी भी तरफ जाओ सेंट्रोइडल एक्सेस से, सब डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस किसी भी तरफ बनाओ उस पूरे सर्कल के थ्रू पासिंग, वो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे। तो ये रिमार्क एक छोटा सा लिख लेना, ठीक है, इट डजंट मैटर इन विच डायरेक्शन यू चूज द डी, डी की वैल्यू सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे पैरेलल एक्सिस के अबाउट सेम होगा। ठीक है, तो एक बार इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कुछ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं पैरेलैक्सिस थ्योरम पे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट द बेस। तो ये ट्रायंगुलर लैमिना है, और याद करो हमने एपेक्स के थ्रू पासिंग एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाला था, क्या यूज किया था, पिचकू थ्योरम लगाई थी, राइट, और क्या आ गया था, एम एच स्क्वायर बाय टू आ गया था, है ना, क्योंकि एन की वैल्यू वन थी ना, एक्स टू द पावर वन के प्रोपोर्शनल मास डेंसिटी थी, तो इसके अबाउट मेरा क्या है, एम एच स्क्वायर बाय टू। अब क्या करोगे, इससे सेंट्रोइड पे शिफ्ट करोगे और सेंट्रोइड से बेस पे शिफ्ट करोगे, तो कितना शिफ्ट लगाना है, सब्ट्रैक्टिंग टर्म जो होगा 2h by 3 के करस्पॉन्डिंग होगा, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है सेंट्रोइड जो होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर, मीडियन जो होती है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो यानी ये h by 3 होगा और ये तुम्हारा 2h by 3 होगा, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से m into 2h by 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर m टाइम्स h by 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या लिखा, Recall that earlier we found I of triangular lamina about OO dash through apex using Pichku theorem and it comes out to be MH square by 2. ये तो सबको याद है। Now to find I BB dash, we can apply parallaxis theorem. तो I BB dash क्या होगा? I OO dash minus M into 2H by 3 का square plus M into H by 3 का square. क्योंकि center of mass H by 3 from the base होता है। ठीक है? तो बस क्या आ गया मेरे पास? ये calculate करोगे तो MH square by 6 आ गया। इसको directly याद रख सकते हो। ठीक है? किसी भी ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट कितना होता है, एम एच स्क्वायर बाई 6। बाकी एक ट्रिक है, लास्ट में मैंने लिखी है बट अभी मैं इंट्रोड्यूस ही कर दे रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी भी आर्बिट्री ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और यूनिफॉर्म ट्रायंगल है, तो वी कैन ऑलवेज रिप्लेस दैट ट्रायंगल, उसकी मिड पॉइंट्स पे एम बाई 3 एम बाई 3 एम बाई 3 रख दो। ठीक है, इट डजंट मैटर व्हाट द एक्सिस, इसको इक्विमोमेंटल सिस्टम कहते हैं। इसका प्रूफ आसान नहीं है, मतलब लंबा चौड़ा प्रूफ है, जरूरत भी नहीं है, बाकी बस ध्यान रख सकते हो कोई भी आर्बिट्री ट्रायंगुलर लैमिना है बस यूनिफॉर्म लैमिना होना चाहिए। तो अगर m मास है उसका तो उस पूरे ट्रायंगुलर लैमिना को भूल जाओ,
और उसके मिड पॉइंट पे एम बाई थ्री एम बाई थ्री एम बाई थ्री लिख दोगे तो दुनिया का कोई मर्जी एक्सिस हो, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये इक्विवेलेंस है, ये दुनिया के हर एक्सिस के अबाउट इक्विवेलेंस होल्ड करेगी, ठीक है। यू कैन ऑलवेज डू दैट, मिड पॉइंट्स पे एम बाई थ्री रख सकते हो, ठीक है। और मान लो ट्राइंगल की जगह कुछ और है, लेटर से क्वाड्रिलेटरल है, तो उसको दो ट्राइंगल में तोड़ लेना, ठीक है ना। तो ये लेकिन हमेशा इस तरह के सिस्टम्स को इक्विमोमेंटल सिस्टम्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देख लो, ये क्लियर है सभी को, ये वाला आगे बढ़ सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है मुझको, एक मेरे पास सॉलिड हेमिस्फेयर है, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो सॉलिड हेमिस्फेयर का मुझे इस वाले एक्सिस के पॉइंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। और पूरे सॉलिड हेमिस्फेयर का जो मास है वो एम है, ओके। क्या लिखा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर अबाउट द एक्सिस ए डैश, मास ऑफ द हेमिस्फेयर इज एम एंड इट्स रेडियस इज आर। तो यहाँ पे आई विल गेट यू अ लिटिल बिट स्टार्टेड। तो सोचो सॉलिड हेमिस्फेयर का क्या इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए तो क्या करूंगा, ऐसे ही सॉलिड हेमिस्फेयर नीचे भी लगा दूंगा, और जितना सुंदर ऊपर वाला हेमिस्फेयर है उतना सुंदर नीचे है, एंड दैट बिकम्स द होल स्फीयर, पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये हो जाएगा डायमीटर, राइट, विच इज द स्टैंडर्ड नोन रिजल्ट, कितना होता है 2/5 mr² होता है, तो m को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे फिर तुम खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है, तो जल्दी से करो ट्राई। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। तो m मास का सॉलिड हेमिस्फेयर है, r रेडियस है, और एपेक्स के थ्रू एक्सिस पैरेलल टू द बेस, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, ट्राई करो। चलो डिस्कस कर देता हूँ, इसमें एक जन ने सेंटर मास बोल के बायस कर दिया, नहीं तो थोक के भाव इसमें गलत आंसर आता है बच्चों का, ठीक है, बट अभी भी कुछ बच्चों को गलत तो आया ही है, बट ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ इसको अभी। हाँ, तो क्या करना है यहाँ पे देखो, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इसका स्फेयर कम्प्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसके स्फेयर को कम्प्लीट कर दिया, ऊपर का मास एम है तो नीचे का भी मास एम है, तो इसका मतलब क्या है, पूरे स्फीयर का तो क्या हो जाएगा, हमें पता है 2/5 mr² होता है, तो 2/5 mr² मतलब m को 2m से रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2/5 × 2m² राइट। और खाली ऊपर वाले का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी माना है मैंने, तो नीचे वाले का भी आई बी हो जाएगा, तो ट्वाइस आई बी की वैल्यू क्या हो गई 2/5 × 2m² आई थिंक दिस इज फेयर इनफ राइट। तो इससे आई बी की वैल्यू क्या आ गई 2/5 mr², यानी ऊपर वाले हेमिस्फीयर का इस वाले एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई बायस नहीं करता तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इससे सीधे पैरेलल थ्योरम लगाते हैं, ये 2/5 mr² है, सीधे mr² मस्ट ऐड करते हैं और 7/5 mr² बोल देते हैं इसका आंसर। ये मेरा किया हुआ एक्सपेरिमेंट है क्लासेस में पुराने बैचेस के साथ, ठीक है। अभी किसी ने सेंटर ऑफ मास बोल दिया तो वो बायस कर दिया, ठीक है, बट समझ में आया, ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे 2/5 mr² लगा के सीधे नहीं ऐड कर सकते, इसका सेंटर ऑफ मास को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास इसका कितनी हाइट पे होता है, 3r/8 हाइट पे होता है, तो क्या करना पड़ेगा, इस मोमेंटम इनर्शिया में से m टाइम्स 3/8 r² माइनस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 5r/8 square m टाइम्स प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, i अबाउट a क्या आ जाएगा 2/5 mr² माइनस m टाइम्स 3r/8 square प्लस m टाइम्स 5r/8 square, तो ये क्या आ गया 13/20 mr² है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आया समझ में, तो सही तरीके से काम करना है, ठीक है। Pay attention to how not to apply parallelism theorem. We couldn't simply write I is equal to IB plus mr², यानी 7/5 mr², ये तो गलत ही होगा, ठीक है। हाँ, अगर पूरा sphere होता तो हम कर सकते थे, तो फिर इसके अबाउट 7/5 mr² क्योंकि पूरे sphere का तो सेंटर मास भी यहीं पे होता, राइट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर मास से कंफ्यूज मत कर देना, अगर पूरा sphere होता और पूरे sphere का मास m होता तो फिर इसके अबाउट 2/5 mr², फिर इसके अबाउट 7/5 mr², लेकिन hemisphere के लिए ये ट्रू नहीं है, बात समझ आई कि नहीं। इनफैक्ट तुम देख सकते हो कि अगर पूरा स्फीयर होता तो उसमें जो अपर हेमिस्फीयर होगा उसका मोमेंटम इनर्शिया छोटा होगा और लोअर हेमिस्फीयर का मोमेंटम इनर्शिया ज्यादा होगा, सोच के देखो, क्योंकि अपर हेमिस्फीयर के पार्टिकल तो एक्सिस के नजदीक नजदीक है, तो इन दोनों का बराबर नहीं होगा। कई बार ये भी करते हैं बच्चे कि पूरे स्फीयर का निकाल लेते हैं और उसका आधा कर देते हैं, वो भी गलत है, वो ऑब्वियसली गलत है, क्यों, दिस हेमिस्फीयर विल हैव स्मॉलर मोमेंटम इनर्शिया एज कंपेयर टू दिस, तो वो भी गलत। तो देख लो एक बार, अगर कहीं डाउट है तो बोलो और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस। इसके बाद जो अगला आइडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, जेई के सिलेबस में नहीं है बट मुझे लगता है कि काफी यूजफुल आइडिया है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होगा, जिन लोगों ने पढ़ा भी छोटी क्लास में रोटेशन एंड प्रॉब्ली ये आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तुम्हें, तो थोड़ा देखो ये क्या आइडिया है। मान लो मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है लेटर से, ठीक है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी आर्बिट्री डायरेक्शन को साइन के अलॉन्ग कोई एक्सेस है, ये कोई लाइन एल है आर्बिट्री डायरेक्शन को साइन जिसका लैम्डा क्या यूनिट वेक्टर है, इसके अलॉन्ग कोई लाइन जा रही है और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, राइट।
So I want to express the moment of inertia in terms of Ix, Iy and Iz about a new line whose direction को signs are known, right? ठीक है, यानी lambda क्या है, तो lambda x, lambda y, lambda z इसके individual direction को sign हो जाएंगे, right? Cos alpha i क्या plus cos beta j क्या plus cos gamma k क्या etc. ठीक है, तो अब ये कैसे express करेंगे Ix, Iy, Iz के terms में, पूरा discussion इसके around अभी होगा, थोड़ा सा complicated है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगी बात, ठीक है, मतलब complicated in the sense थोड़ा mathematically complicated है, बाकी तो आइडिया तो सिंपल ही है. क्या लिखा मैंने, लेट लैम्डा कैप बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन सच दैट लैम्डा कैप इज लैम्डा एक्स आई कैप प्लस लैम्डा वाई जे कैप प्लस लैम्डा जेड के कैप. ऑब्वियसली लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा जेड जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, राइट? ठीक है, वी विश टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ओएल. इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, ठीक है, अलोंग लैम्डा कैप. लेट पी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंटल मास फ्रॉम दिस एक्सिस. तो मान लो ये कोई मैंने छोटा सा डीएम लिया और इस डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो पी है, तो इस वाले एक्सिस के ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डीएम इनटू पी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अच्छा, अब मैं पी को कैसे निकाल सकता हूँ, तो देख सकते हो ये क्रॉस प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. तुम्हें पता है अगर मैं लैम्डा कैप क्रॉस आर करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा, इधर टू. तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके और उसके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस डिस्टेंस को. तो देखते हैं, थोड़ी सी मैथ्स करते हैं. क्या लिखा मैंने, देखो जरा, तो P अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा, I about OL is integration of P square dm, which can be written as integration of lambda cap cross R का mod square dm. ठीक है, ऐसा लिख ही सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में पता है R into lambda 1 into sin theta, तो R sin theta ही तो है ये P. ज्यादा तो सेटल्ड है सभी के लिए, इसमें तो कोई इशू नहीं. ठीक, अब क्या करोगे, अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हें पता है मैट्रिक्स मेथड होता है ना, लैम्डा वेक्टर को क्या लिखोगे, लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा जेड करके तीन एंट्रीज डालोगे मैट्रिक्स में. ठीक है, और ऐसे ही तुम आर वेक्टर के लिए आर एक्स, आर वाई, आर जेड, यानी आर वेक्टर को एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या है, एक्स वाई जेड डालोगे, लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा जेड डालोगे और क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपैंड करोगे. तो जब एक्सपैंड करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, तो आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. तो कैलकुलेट करोगे तो आई कोएफिशिएंट आएगा तुम्हारा लैम्डा एक्स वाई माइनस लैम्डा वाई एक्स, इसी तरह से जे कोएफिशिएंट आएगा लैम्डा वाई जेड माइनस लैम्डा जेड वाई, इस तरह से ये के कोएफिशिएंट आएगा और उनके स्क्वायर्स करके ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, नॉट स्क्वायर. तो आई होप ये लाइन भी क्लियर है. क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा है उस प्रोडक्ट से. यहाँ तक सेटल्ड है सभी के लिए, चाहो तो मैट्रिक्स में डाल के देख सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया. ठीक है, और वैसे समझ आ ही रहा होगा, टर्म्स देख के समझ में आ रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट से आएंगे इस तरह के टर्म्स, राइट? अब मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा कंबाइन किया, रिकम्बाइन किया टर्म्स को. मैंने इसको क्या लिखा, लैम्डा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. अब देखोगे ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी रादर माइनस टू ए बी टाइप के टर्म्स आने. ठीक है, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर के टर्म्स को कंबाइन करोगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन में आएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अच्छा, लैम्डा एक्स तो मेरा कॉन्स्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो, राइट? लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा जेड, दे आर सम कॉन्स्टेंट्स, सो यू कैन टेक देम आउटसाइड द इंटीग्रेशन. तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डीएम प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डीएम प्लस लैम्डा जेड स्क्वायर, ये साइक्लिक एक्सप्रेशन आ रहा है. उसके अलावा टू ए बी वाले टाइप के टर्म्स होंगे, तो टू ए बी वाले टर्म्स के टर्म्स कैसे होंगे, टू लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डीएम, जैसे टू लैम्डा वाई, लैम्डा जेड, वाई जेड डीएम एंड टू लैम्डा जेड, लैम्डा एक्स, एक्स जेड डीएम. ठीक है, तो अभी तो समझ में आ रहा होगा फायदा ही क्या हुआ, क्या अचीव किया, इतना बड़ा रायता फैला दिया हमने. ठीक है, और ऊपर से चलो ये तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये एक्स वाई के प्रोडक्ट, वाई जेड के प्रोडक्ट, एक्स जेड प्रोडक्ट, इनको क्या कहूंगे. एक्चुअली ये जो टर्म्स है इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और कई ज्योमेट्रीज में हम ऐसे एक्सिस ढूंढ पाएंगे जिसके लिए प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, मतलब बेसिकली सिग्मा एम आई एक्स आई वाई आई इज एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया. मेरी बात ध्यान से सुन, मान लो मैंने क्यूबॉइड लिया, क्यूबॉइड के अंदर मैंने उसके सेंट्रॉइड पे खड़े होकर उसके फेसेस के परपेंडिकुलर तीन एक्सिस ले लिया एक्स वाई एंड जेड. तो यहाँ पे सिमेट्री से तुम देख सकते हो कि सिग्मा एम आई एक्स आई वाई आई तुम्हारा जीरो हो जाएगा. सोच के देखो, सिग्मा एम आई एक्स आई वाई, अगर टॉप व्यू में देखते हो तुम, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, टॉप व्यू में देखोगे तो तुम्हें चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता हुआ दिखेगा. ठीक है, ये जेड एक्सिस तो दिखेगा नहीं, तुम्हें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिखेगा और चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता दिखेगा, जिसमें से दो क्वाड्रेंट्स में एक्स वाई के प्रोडक्ट्स पॉजिटिव होंगे और दो क्वाड्रेंट्स में एक्स वाई के प्रोडक्ट्स नेगेटिव होंगे. तो देख पा रहे हो कि सिग्मा एम आई एक्स आई वाई आई जो है तुम्हारा जीरो हो जाएगा इस तरह के. ठीक है, नहीं इसी तरह से अगर इधर से देखोगे तो तुम्हें जेड एक्स प्लेन में दिखेगा. तो ये ऐसा तुम्हारा एक्सिस का सेट बन जाएगा जिसके लिए ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया वाले टर्म्स हैं ये जीरो हो जाएंगे, और इनको आइडेंटिफाई करना अक्सर मुश्किल नहीं होता. तो अगर ये टर्म्स मेरे जीरो हो जाएंगे तब तो फिर मेरा काम खत्म हो गया. तो ये क्या आ गया,
ये मेरा आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा बच गया, इज इट। अगर ऐसे एक्सेस मिल गए जिनके अबाउट ये जो रायता फैलाने वाले टर्म्स हैं ये जीरो हो जाए, समझ में आई बात के लिए? तो जो इस तरह के एक्सेस होते हैं जिनके लिए प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया मेरे वैनिश हो जाते हैं, उस तरह के एक्सेस को मैं प्रिंसिपल एक्सेस बोलता हूँ। प्रिंसिपल एक्सेस ढूंढना अक्सर मुश्किल नहीं होता है, मोस्ट नेचुरली तुम एक्सेस जो ढूंढते हो अक्सर प्रिंसिपल एक्सेस ही ढूंढते हो। जैसे अगर मान लो रोटेशनल सिमेट्री है कोई सिलेंडर है लेट अस से, तो सिलेंडर के एक्सेस के अलोंग सिमेट्री एक्सेस के अलोंग एक्सेस लो और कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस ले लो, इसके अबाउट सारे प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया तुम्हारे जीरो हो जाएंगे। वो भी देख सकते हो, जैसे मान लो सिलेंडर ही है लेट अस से, वैसे करके ऐसे कोई सिलेंडर, ध्यान देना एक बार जरा, ऐसे सिलेंडर है एक ये एक्सेस ले लिया और म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सेस के बेस में ही ले लो, फर्क नहीं पड़ता, नीचे ले लो ऊपर ले लो फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए भी तुम लोग देख पाओगे कि तीनों प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया जीरो। कैसे? अगर ऊपर से टॉप व्यू में देखते हो तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो रहा है, वापस दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव सिग्मा में एक्स आई वाई, दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव, इतनी बात तो समझ में आ रही है। साइड व्यू में देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक ये एक्सेस दिखेगा और एक जो है तुम्हारा ऐसा दिखेगा साइड व्यू से एक्सेस, राइट। इसके अंदर भी देखो आधे में ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और आधे में ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वापस दिख रहा है सिग्मा एम आई वाई जेड आई भी जीरो हो जाएगा और सिग्मा एम आई एक्स आई जेड आई भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस के राइट में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही लेफ्ट में होंगे, तो आधों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा आधों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ऐसी आधों के लिए वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, समझ में आई बात के लिए? तो एक्स जेड प्रोडक्ट भी जीरो होने वाला है, वाई जेड प्रोडक्ट भी जीरो होने वाला है और एक्स वाई प्रोडक्ट भी जीरो होने वाला है। तो अक्सर इस तरह के एक्सिस ढूंढना मुश्किल नहीं होता है। जनरली जिस भी बॉडी के अंदर सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी, सिलिंड्रिकल सिमेट्री में तो समझ रहे, जैसे कोन हो गया, कोन के अंदर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, या फिर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, फ्रस्टम हो गया, जहां पर भी सिलिंड्रिकल सिमेट्री वाले बॉडीज होते हैं तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाता है, एक तो सिमेट्री एक्सिस ही हो जाता है और उसके परपेंडिकुलर जो मर्जी दो एक्सिस ले लो, दैट फॉर्म्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद फिर आर्बिट्री एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि ये रायता फैलाने वाले टर्म्स तो जीरो ही होगा, बचा क्या आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा। तो इसका मतलब जैसे मान लो सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन की स्लांट हाइट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो अगर तुम्हें पता है यानी एक वर्टिकल और दो परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर पता है तो निकाल सकते हो स्लांट हाइट के ऊपर, या हॉलो कोन है, हॉलो कोन की स्लांट हाइट के ऊपर निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसकी एपेक्स के पास तीन परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो स्लांट हाइट के अबाउट भी निकाल सकते हो। फॉर दैट मैटर क्यूब है, तो क्यूब के मान लो सेंट्रोइडल तीन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जैसे मैंने एक्सिस बताया था उनके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन को साइंस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल पाएंगे, समझ में आ रही बात करिए? तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, वी विल बी एबल टू फाइंड सच एक्सेस सच दैट ये वाले जो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया के टर्म में ये सब जीरो हो जाएंगे। इट इज नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड इन मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स, यानी जहां पे सिमेट्रिकल पॉपुलर ज्योमेट्री जैसे स्फीयर हो गया, कोन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसके लिए मुश्किल नहीं होता इन सबको ढूंढना, बड़ा आसानी से ढूंढ पाते हैं। ठीक, सिलिंड्रिकल सिमेट्री तो मैंने बता ही दिया, बाकी क्यूब और क्यूबॉइड बचते हैं उसके बाद और क्या बचता है, स्फीयर में तो बड़ा ऑब्वियस है कोई से तीन ले लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, स्फीयर तो सब जगह एक जैसा ही है। इट्स ऑफन वेरी इजी टू फाइंड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं जिनके अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्जी हमारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको फॉर्मल डिफाइन करता हूँ और फिर उसके बाद और समझाता हूँ थोड़ा। तो क्या लिखा, मास प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं, नाउ वी डिफाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया व्हिच इन्वॉल्व द लास्ट थ्री टर्म्स इन द इंटीग्रल्स इन इक्वेशन वन एज। आई एक्स वाई क्या होता है, इंटीग्रल एक्स वाई डीएम, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है ये एक्स वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, आई मीन एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए होता है। इसी तरह से आई वाई जेड इज इंटीग्रल वाई जेड डीएम, इसी तरह से आई जेड एक्स क्या है, इंटीग्रल जेड एक्स डीएम। ठीक है, तो दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट आर्बिट्री एक्सेस क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, अगर मैं अभी तक एज इट इज रखूं और इन सारे टर्म्स को मैं मेंटेन करता हूं तो फिर प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में क्या हो जाएगा, आई एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस आई जेड लैम्डा जेड स्क्वायर माइनस टू आई एक्स वाई इंटू लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस आई वाई जेड इंटू लैम्डा वाई लैम्डा जेड एंड प्लस आई जेड एक्स इंटू लैम्डा जेड लैम्डा एक्स। ये मेरा पूरा का पूरा गंदा सा फॉर्मूला है अभी तक। ठीक है, अच्छा कब होगा, जब ये टर्म जीरो हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा फॉर्मूला, राइट। अभी तो ये पूरा गंदा सा है, उसके लिए मुझे प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया मालूम होनी चाहिए। ठीक है, नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर पढ़ोगे तो उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया के साथ भी कुछ थ्योरम्स होती हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह, बट उस सब में हम लोग घुसने नहीं वाले। बट आई होप यहाँ तक सबको सेंस बना रहा है, यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या डिफाइन किया, प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे तुमको मैंने बता ही दिया था। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस अबाउट विच ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया बिकम जीरो आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके अबाउट सारे प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाए। Principal axes are often very easy to locate for bodies with cylindrical symmetries like cone or cylinder. One of the axes can be chosen as symmetry axis and other two can be mutually perpendicular axes in plane perpendicular to the symmetry axis. जैसे मैंने बताया था अभी। In fact, अगर किसी भी body के अंदर दो mutually perpendicular planes of symmetry हो,
उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो एक प्रिंसिपल एक्सिस होता ही है, ठीक है ठीक है। तो क्या लिखा, वन ऑफ द एक्सिस कैन बी चोजन द सिमेट्री एक्सिस एंड अदर टू कैन बी एनी म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। एक्सिस इन द प्लेन परपेंडिकुलर द सिमेट्री एक्सिस विद ओरिजिन ऑन द सिमेट्री एक्सिस। जैसे यहाँ पे देखो कोन, तो कोन के लिए ये मेरा प्लेन है सिमेट्री का, और ये भी वैसे तो इसमें बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन पे ये मेरा एक लाइन बन गया, राइट। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स अगर मिल गए तो उनके इंटरसेक्शन से एक लाइन मिल गई, तो वो जो लाइन है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद उसके अलावा उसके परपेंडिकुलर दो, कोई से दो परपेंडिकुलर ले लो उस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब तो समझ गए ना, इसको मान लो वाई एक्सिस बोल दिया तो एक्स और जेड कोई से दो ले लो, तो देयर विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमेशा ऐसा हो पाएगा, जब भी सिमेट्री प्लेन्स दिखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढना मुश्किल नहीं है, ठीक है ओके। हाँ, तो क्या लिखा, इनफैक्ट इफ एनी बॉडी हैज म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री देन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स कैन बी चोजन एज वन एक्सिस एंड अदर टू कैन बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विद ओरिजिन एनीवेयर ऑन दिस एक्सिस। समझ में आई बात, कैसे ढूंढ सकते हैं अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हो मेरे पास। फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर वी हैव अ कोन वेयर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर मार्क। ये दो प्लेन्स दिखा रखे हैं ये, तो एक ये एक्सिस हो गया और दो कोई से भी ऐसे ऐसे करके कोई से भी दो ले लो, ठीक है ओके। Accordingly here x, y and z axis form a set of principal axis, ठीक है। Note that principal axis need not be unique. Principal axis unique होना कोई जरूरी नहीं है, क्यों, यहाँ पे x और y ना लेके मैं यहाँ पे भी x, यहाँ पे x और z की जगह इधर भी x और z ले सकता था, फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये एक्सिस लेना और इसके परपेंडिकुलर कहीं से भी दो एक्सिस ले लो, तुम लोग वेरीफाई कर सकते हैं सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ओके ठीक है। For example, here we could also choose origin at the intersection of AA dash and BB dash. यहाँ पे भी origin लेके हम बना सकते हैं principal axis. For that matter, कहीं पे भी इस axis पे ले लो और दो mutually perpendicular axis ले लो, और बाकी तो ऐसे से घुमाने से तो कोई फर्क पड़ी नहीं रहेंगे, वैसे ही cylindrical symmetry, ठीक है ओके ठीक है। तो we could also choose origin at the intersection of AA dash and BB dash, और for that matter, यहाँ पे अगर कहीं इसका centroid है तो centroid के through भी मैं ले सकता था। The same scheme can be used anywhere on the symmetry axis, ठीक है। तो समझ गए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं, तो एक उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा और फिर उस इंटरसेक्शन जो एक्सिस आ रहा है उसके परपेंडिकुलर कोई से दो एक्सिस ड्रॉ कर लो, दे विल फॉर्म द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई प्रिंसिपल एक्सिस वाली आइडिया, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैंने निकाल लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर्बिट्री एक्सिस के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सपोज वी आर वर्किंग प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, दैट इज आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आर ईच जीरो, तो इक्वेशन थ्री क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम सिंप्लीफाइड। इक्वेशन थ्री का है मेरी, ये इक्वेशन थ्री है, तो उसमें ये वाले टर्म्स तो जीरो ही हो गए, बचा क्या तुम्हारे पास, आई एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस आई जेड लैम्डा जेड स्क्वायर, तो क्या हो गया, आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा। इसका यूज करके किसी भी आर्बिट्री एक्सिस के ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है ठीक है। तो क्या आ गया, ये फॉर्मूला, तो ठीक है वो गंदे से फॉर्मूले को याद नहीं करना, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढ के काम करना है हमको, और प्रिंसिपल एक्सिस एक बार मिल गया तो उसके बाद तो फिर किसी भी डायरेक्शन को साइन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ठीक है। फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन को साइन ऑफ द एक्सिस अलॉन्ग विच वी विश टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था यहाँ तक डिस्कशन, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार अच्छे से पढ़ो इस सेक्शन को, शुरू से यहाँ से स्टार्ट होके उस सेक्शन तक, मैंने दो तीन सेक्शन एक साथ कवर किए बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड आइडियाज, ठीक है। और फिर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो मेरे से अभी डिस्कस कर सकते, ठीक है। तो अभी इस आइडिया को यूज करके हम क्या करते हैं, पतले से कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये कॉइन के सेंट्रॉइड से वर्टिकल एक्सिस है जेड एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पे जो है मेरा ये नया एक्सिस है जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, समझ गए। ये जो मेरा ये पर्पल कलर में दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो जेड एक्सिस से तो एंगल थीटा बन गया, एक्स एक्सिस मान लो नहीं दिया क्वेश्चन में, तो लेकिन मैं एक्स एक्सिस से चूज कर ही सकता हूँ कि एक्स एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल बन गया, फायदा क्या, फिर जेड फिर वाई एक्सिस से 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 जीरो होता है, ठीक है। तो समझ गया कि नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस चूज करने हैं तो एक तो ये एक्सिस ले लो और बाकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेने, तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ये थीटा एक से 90 माइनस थीटा और तीसरे से 90 डिग्री। समझ में आया कैसे मैंने एक्सिस चूज कर लिया, एंड यू कैन वेरीफाई दैट दीस थ्री एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस। देख पा रहे हो प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया सारे वैनिश हो जाएंगे इन तीनों एक्सिस के अबाउट, राइट। तो ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन कॉइन ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस मेक एन एंगल थीटा विद इट्स नॉर्मल। इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई क्या हो जाएगा, आई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर गामा, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, आई एक्स क्या है, मैंने एक्स जो इसी के मतलब समझ गए कोप्लेनर कर दिया इसके साथ में एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा ना कैसा ले लिया एक्स एक्सिस, मेरी मर्जी है, इससे थोड़ा काम आसान, कोप्लेनर कर दिया मैंने जेड एक्सिस और ये वाले एक्सिस के साथ कोप्लेनर एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो y एक्सिस ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है।
क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट तो मुझे पता है एम आर स्क्वायर बाय फोर होता है, डिस्क अबाउट डायमीटर राइट, एम आर स्क्वायर बाय फोर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसके अबाउट क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय टू होता है राइट, तो एम आर स्क्वायर बाय टू एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा क्यों है, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, समझ में आया कि नहीं, एक्चुअली कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा सोचो, और इसके साथ फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ तो मेरा हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा, और जेड एक्स ये वाई एक्सिस है उससे तो इस एक्सिस का 90 डिग्री एंगल बन रहा है, समझ में आई बात कि नहीं, कैसे है एक्स एक्सिस ऐसे है और वाई एक्सिस ऐसे है, तो इस वाले एक्सिस से 90 डिग्री एंगल होगा राइट, तो उसके साथ cos square 90 का फैक्टर आ गया, mr square by 4 into cos square 90, आप तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड करके क्या बनेगा, ये तो जीरो हो गया टर्म, mr square by 4 sin square theta plus 2 cos square theta, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। अब चाहे तो sin square theta plus cos square theta equal to 1 अगर पुट कर दें तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, mr square by 4 into 1 plus cos square theta, तो ये मेरा इस डिस्क का आर्बिट्री एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अरे बस आप इसमें मतलब तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, थीटा अगर जीरो डाल दोगे तो हाफ एम आर स्क्वायर बन जाएगा है, तो थीटा 90 डाल दोगे तो अपने आप 1/4 एम आर स्क्वायर बन जाए, तो स्टैंडर्ड गर्ल में भी रिड्यूस हो ही रहा, और इसके अबाउट अगर पता चल गया तो अब मैं किसी आर्डेटेड एक्सिस के अबाउट इसके पैरेलल अगर मान लो इधर से कोई एक्सिस पास कराने को उसके अबाउट भी निकाल सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे, समझ में आई बात की नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो उसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, जिस मर्जी एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो, तो एक बार प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लिया तुमने और प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो फिर आसान है काम, फिर जिस मर्जी एक्सिस के बोर्ड निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े आराम से निकलेगा। ठीक है एक बार देखो इस एग्जांपल को, कुछ डाउट है तो मेरे को बोल सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अभी ये जो हमने सीखा अभी अभी रिजल्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के टर्म्स में थ्योरम ही कह लो, तो इसका यूज करके मैं प्रूव कर सकता हूँ कि किसी क्यूब का आर्बिट्री सेंट्रोइडल एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिपेंडेंट होता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जो मर्जी एक्सिस ले लो सेंट्रोइड से पासिंग, हर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, तो ये आराम से प्रूव हो जाएगा। तो देखो क्या क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब अलोंग एनी सेंट्रोइडल एक्सिस इज एमएल स्क्वायर बाय 6 इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है तो एक चीज देखो, अगर मैं ऐसे एक्सिस ले लूं, समझ में आ रहा है, क्यूब के सेंट्रोइड से पासिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ले लिए, तो अभी वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पिचकू थ्योरम लगा दो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर का ये वाला तो हमें पता है एमएल स्क्वायर बाय 6 होता है राइट, तो मुझे पता है इस तरह से अगर एक्सेस लेते हो तो आई एक्स भी एम एल स्क्वायर बाई 6, आई वाई भी एम एल स्क्वायर बाई 6 और आई जेड भी एम एल स्क्वायर बाई 6, आई थिंक दैट इज फेयर एनफ, सभी को इतनी बात तो समझ में आ रही है। ठीक है तो ये तीनों के तीनों आई एक्स आई वाई आई जेड तीनों हमारे क्या हो जाएंगे एम एल स्क्वायर बाई 6, तो यही लिखा है पिछकू थ्योरम से, ये हमको नजर आ गया स्क्वीजेस टू द स्क्वायर, किसी भी एक्सेस के अलावा स्क्वीज करोगे स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर का उसके लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला मोमेंटम इनर्शिया हमें चाहिए रहेगा। ठीक है अब आर्बिट्री एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए डायरेक्शन को साइंस, तो आई एक्स कॉस स्क्वायर प्लस आई वाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आई जेड कॉस स्क्वायर का, अभी तीनों में एम एल स्क्वायर बाय 6 तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि आई एक्स आई वाई आई जेड बराबर है, तो एम एल स्क्वायर बाय 6 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा राइट, इसका मतलब क्या, ये तो 1 होता है तो इसका मतलब क्या एम एल स्क्वायर बाय 6 आ गया, तो क्या है मतलब जो मर्जी सेंट्रोइडल एक्सिस हो किसी भी डायरेक्शन में हो फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा हर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सेम आ जाएगा, कितना एम एल स्क्वायर बाय 6 राइट, एंड दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर आई मीन वैल्यू, तो खैर अलग अलग तरह के क्यूबॉइड के अलग अलग, मतलब क्यूब की जगह वाला क्यूबिकल शेल होता तो उसके लिए मुझे पता है आई एक्स आई वाई आई जेड बराबर ही होते, वो वैल्यू कुछ और होती भले ही, बट समझ गए कि नहीं, क्यूबिकल शेल के लिए भी ये ट्रू है, क्या किसी भी सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्यूब सॉलिड क्यूब हो क्यूबिकल शेल हो थिक क्यूबिकल शेल हो यूनिफॉर्म, मतलब सब जगह से थिक क्यूबिकल शेल मतलब समझ रहे हो, सब जगह से बराबर बराबर काट के छोड़ थिक वॉल्स बनती, थिक क्यूबिकल शेल हो या फिर वायर फ्रेम क्यूब हो, वायर फ्रेम क्यूब समझते हो वायर्स को जोड़ जोड़ के क्यूब बना रखे हैं, यानी 12 वायर्स को जोड़ के भी तो क्यूब बना सकते हैं, चाहे वायर फ्रेम क्यूब हो चाहे वर्टेक्स क्यूब हो, वर्टेक्स क्यूब मतलब 8 पॉइंट मास रख के क्यूब बना दो, तो सबके लिए समझ में आ रहा है ना, जब जब आई एक्स आई वाई आई जेड बराबर हो जाएंगे तब तक जो सेंट्रोइडल एक्सिस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन हो जाएगा। फॉर दैट मैटर एक खास तरह के सिलेंडर के लिए भी ऐसा कर सकते हो, सोच लो यानी हर सिलेंडर के लिए तो नहीं कह रहा लेकिन खास तरह का सिलेंडर, मान लो रेडियस और हाइट इस तरह की है लेट अस से कि तुम्हारा ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो ही सकता है ना, किसी किसी पर्टिकुलर रेडियस और हाइट के रेशियो को मिले, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये मेरा मान लो सिलेंडर है ठीक है, तो इस एक्सिस के बाद कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इस एक्सिस के बाद कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर मान लो इस एक्सिस के बाद जो था उससे ज्यादा ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसकी हाइट थोड़ी कम कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, बात समझ आएगी नहीं, अगर कम आ रहा है तो हाइट थोड़ी ज्यादा कर दोगे तो कर ही सकते हो ना, हाइट और रेडियस का रेशियो कुछ ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाए, और ये वाला होगा तो फिर ये वाला भी बराबर हो ही जाएगा, तो सिलेंडर के लिए भी क्या हो जाएगा हर सेंट्रोइडल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, समझ में आई बात के लिए। ठीक है
तो इनफैक्ट इट टर्न्स आउट कि कोई भी आर्बिट्री शेप का बॉडी अगर होगा तो उसके लिए इस तरह के एक्सिस मतलब एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए यानी इंडिपेंडेंट आ जाए। बाकी देयर इज समथिंग कॉल्ड इलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया, मैं उसकी थ्योरी में घुसना नहीं चाह रहा, बट मतलब आड़े टेढ़े भी बॉडी के लिए हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड है थ्योरी, यानी जेई के लिए तो ऑलरेडी जितना कर लिया यही ओवर के लिए, बट देर इज समथिंग कॉल्ड थ्योरी ऑफ इलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया। आर्बिट्री किसी भी बॉडी के लिए, यानी उसको हम किसी इलिप्सॉइड से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन आर्बिट्री डायरेक्शन। ठीक है, तो उसमें घुस नहीं रहे हम लोग, तो क्या कर आप, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसमें अगर कहीं पे भी कुछ डिस्कशन है तो मेरे को बोल सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तुम लोग खुद से ट्राई करना। अभी क्या मेरे पास एक इलिप्टिकल लैमिना है, इलिप्टिकल लैमिना मतलब इलिप्टिकल शीट है, यूनिफॉर्म शीट है, जिसका मास एम है और सेमी मेजर एक्सिस ए है और सेमी माइनर एक्सिस इसका बी है, यानी मेजर एक्सिस 2 है और माइनर एक्सिस 2 भी हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, इसके मेजर एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इलिप्स के मेजर एक्सिस के ऊपर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, अब इसके अंदर तुम खुद दिमाग लगाओ, खुद से सोचो, जो अंडरस्टैंडिंग है इंट्यूशन लॉजिक सब लगा दो, कोशिश करोगे खुद से हो जाए, नहीं तो फिर मैं बाद में डिस्कस कर दूँ। ठीक है, सोचो थोड़ी देर, हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। राइट, हाँ, इसके अंदर क्या चीज रिकॉग्नाइज करनी है, ये इलिप्स क्या है बेसिकली, किसी सर्कल को स्क्वीज कर दिया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तुमको लगेगा कि यार स्क्वीज करके यूनिफॉर्म इलिप्स बनना क्या जरूरी है, तो अभी ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे पास एक सर्कल है लेट अस से, और इसके हर पार्टिकल को सेम फैक्टर से मैं पास लेके आ रहा हूँ। मान लो मेरे पास पहले ए बाई ए का सर्कल था, यानी रेडियस ए बाई ए का इलिप्स यानी सर्कल ही हो गया, राइट। और इसके हर पार्टिकल का जो एक्सिस से डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं क्या करूँ, बी बाई ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास ये वाला इलिप्स बन जाएगा। बोलो, सर्कल के हर पार्टिकल के डिस्टेंस को मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी बाई ए के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मेरे पास सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर था, तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा एम आई आर आई इंटू बी बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं, इसका मतलब क्या, पूरा अब बी बाई ए तो कॉन्स्टेंट ही है ना, बोलो, और हर एक के डिस्टेंस को बी बाई ए के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी यूनिफॉर्मली स्क्वीज कर रहा हूँ मैं इसको, यूनिफॉर्मली स्क्वीज कर रहा हूँ, इसका मतलब जो इलिप्स बनेगा इसकी भी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म ही होने वाली है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, हर पार्टिकल को अगर बी बाई ए से सोचो कि बेसिकली फोटोग्राफिक डिमिनिशिंग है एक तरह से उस एक्सिस के अंदर, तो फोटोग्राफिक डिमिनिशिंग करोगे तो हर हर एक डायमेंशन सेम फैक्टर से डिमिनिश होगी। सोच के देखो, तुम्हारा मैंने फोटो खींचा और उसको ऐसे मैंने पिचका दिया, तो जिस फैक्टर से आई मेरी पिचकेगी उसी फैक्टर से मेरी नावल पिचकेगी, उसी फैक्टर से मेरी मुंडी पिचकेगी, हर हर चीज जो उसी फैक्टर से पिचकेगी। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, अगर मैंने ऐसे पिचका दिया तुम्हारे फोटो को, तो उस तरह की बात है, सर्कल के फोटो को ऐसे पिचका दिया मैंने किस फैक्टर से, बी बाई ए के फैक्टर से, तो इसका मतलब क्या, मेरा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बी बाई ए होल स्क्वायर के फैक्टर से चेंज हो जाएगा, सिग्मा में से बाहर आ जाएगा, बी बाई ए का होल स्क्वायर। मेकिंग सेंस और नॉट, समझ में आएगा, तो यही लिखा मैंने। देखो क्या लिखा, रिकॉग्नाइज दैट इलिप्स इज नथिंग बट अ सर्कल ऑफ रेडियस ए स्क्वीज बाय फैक्टर ऑफ बी बाई ए अलॉन्ग वाई एक्सिस। नाउ सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर डायमेंशन, तो इन द स्क्वीजिंग प्रोसेस इट विल गेट स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ बी बाई ए का होल स्क्वायर, राइट। दस द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई विल बी एम ए स्क्वायर बाई 4 इंटू बी बाई ए का होल स्क्वायर, दैट विल बिकम एम बी स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आई कि नहीं। इंसिडेंटली एक और इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मान लो मेरे को सेमी इलिप्स का सेंट्रोइड पूछा होता कितनी हाइट पे है, मान लो हाफ इलिप्स है और पूछा होता कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो उसके लिए भी सेम टेक्निक यूज कर सकते थे। जब ये सेमी सर्कल था तब 2r बाई पाई पे था, और हर हर एक पार्टिकल को तुमने क्या किया, बी बाई ए के फैक्टर से पास लेके आ गए, तो सेंट्रोइड भी बी बाई ए के फैक्टर से पास आ जाएगा। यानी अगर मुझे सेमी इलिप्स का सेंट्रोइड निकालना होता तो फिर क्या हो जाता, 2b बाई पाई हो जाता इधर से। समझ में ही बात करें, तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो फिर ये भी कर सकते हैं कि इस वाला सेमी इलिप्स दे दूं और सेमी इलिप्स का इसके अबाउट पूछ लूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नहीं तो ये सब आइडियाज पता है तो ठीक है, नहीं तो गूगली हो जाएगा अच्छा खासा। तो समझ में आया ये सभी को, ठीक है, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डिस्कशन इन दिस, कहीं पे भी लग रहा है डाउट तो मेरे को बोल सकते हो। ये रिग्रेस है ना प्रूफ, समझ में आया, इज अ रिग्रेस प्रूफ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही होगी इसमें। ठीक है, लेट मी नो इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट, लेट मी नो, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। या ऑल्टरनेट थिंकिंग मेथड एक ये भी हो सकता था कि इंस्टेड ऑफ ए बाई ए का सर्कल बनाने के हम पहले बी बाई बी का ही सर्कल बना लेते हैं, और पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में ऐसे यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते, तो तुम्हें पता है एक्सिस से डिस्टेंस तो किसी का चेंज हो नहीं रहा इस प्रोसेस में, तुम्हें पता है, यानी पिचकू का रिवर्स पिचकू कह दो, तो
एक्सिस से डिस्टेंस तो किसी का भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए मोमेंटम इनर्शिया वही का वही रहेगा। तो जब ये ऐसे सर्कल था तो एम बी स्क्वायर बाई फोर था, तो इसको ऐसे स्ट्रेच कर दे तो भी एम बी स्क्वायर बाई फोर है, क्योंकि पार्टिकल्स तो पैरेलल टू द एक्सिस ही मूव किया और यूनिफॉर्म ही रखा है मैंने, यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट के एस डायमेंशन। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो फिर आगे बढ़, हाँ डाउट तो बोल दो। अच्छा अब मैं एक टेक्निक और बता रहा हूँ, सुनो ये नोट्स के अंदर नहीं, थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगी बात, कैसे हम कई बार रिकर्जन यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से सिखा सकूँ, अगली प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में लूंगा, अभी एक जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ वो देखो रिकर्जन कैसे यूज कर सकते हो देखना जरा। तो आई पॉज फॉर अ सेकंड देन आई शो यू ऑन फ्रेश पेज। बाय द वे जो अभी मैं सिखा रहा हूँ ये नोट्स का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको फ्रेश पेज में कर रहा हूँ, तो देख लो एक बार समझ लो इसको, इट्स नॉट देयर इन द नोट्स। मान लो मेरे पास कोई स्केलियन ट्राइंगल होता, ठीक है, मान लो ये कोई ट्राइंगल होता ए बाई बी बाई सी का, ये कोई ट्राइंगल होता राइट, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को इसके सेंट्रोइडल एक्सिस की ओर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता था, इस स्केलियन ट्राइंगल का मान लो कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम इंटू सम फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी होगा, और मुझे पता है ये जो फंक्शन होगा इसमें अगर ए को मैं ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू से अगर रिप्लेस करूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू वन फोर्थ हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हें पता है कि इसमें किस तरह के टर्म होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या ए बी की डायमेंशन के टर्म्स होंगे। तो जो भी फंक्शन है इतना तो समझ में आता ना, ये जो फंक्शन होगा इसमें ए बी सी को ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू से रिप्लेस करोगे तो ये फंक्शन वन फोर्थ हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए बाई टू कॉमा बी बाई टू कॉमा सी बाई टू विल बी वन फोर्थ ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इतनी बात तो समझ में आती है कि नहीं, ठीक है। तो मान लो मुझे स्केलिन ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, स्केलिन ट्राइंगल का मास एम होता, ठीक है, तो मैं क्या करता यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के मैं क्या करता, सिमिलर चार स्केलिन ट्राइंगल्स में इसको तोड़ सकता हूँ, बात समझ आई कि नहीं, इसको मैं चार स्केलिन ट्राइंगल्स में तोड़ सकता हूँ, और चार स्केलिन ट्राइंगल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो इस वाले का खुद के सेंट्रोइड के अबाउट क्या हो जाएगा, दैट विल बी एम बाई फोर इंटू एफ ऑफ ए बाई टू कॉमा बी बाई टू कॉमा सी बाई टू हो जाएगा। बोलो एक एक छोटे ट्राइंगल का, हर छोटे ट्राइंगल का खुद के सेंट्रोइड के अबाउट क्या हो जाता, एम बाई फोर इंटू एफ ऑफ ए बाई टू कॉमा बी बाई टू कॉमा सी बाई टू हो जाता, बोलो हर एक छोटे ट्राइंगल का खुद के सेंट्रोइड के अबाउट, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। एंड दिस टर्म विल बी एक्चुअली वॉट वन फोर्थ ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी राइट, तो इसको क्या लिख सकते थे, दिस विल बी एम बाई सिक्सटीन टाइम्स एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हर एक ट्राइंगल का खुद के सेंट्रोइड के अबाउट हो गया राइट, तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं, तीन ट्राइंगल्स तो डिस्टेंट है इससे, ठीक है, तो जिन लोगों को ज्योमेट्री आती है यू विल बी एबल टू फिगर आउट ये सेंट्रोइड टू सेंट्रोइड डिस्टेंस, दिस बी सम फंक्शन ऑफ ए बी एंड सी राइट। तो इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ लेट अस से, इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल सी बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल बी बोल देता हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ, ठीक है। जो ज्योमेट्री में खेले हो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तुमने निकाल लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पूरे बड़े ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चार तो ऐसे हैं, ठीक है, और प्लस तीन में पैरेलल एक्सिस शिफ्ट भी लगाना पड़ेगा, तो प्लस क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एम बाई फोर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम बाई फोर इंटू ए स्क्वायर प्लस एम बाई फोर इंटू बी स्क्वायर, ये और ऐड करना पड़ेगा, एम बाई फोर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझ में आ रही बात को नहीं, ये वर्टिसेस नहीं, इन डिस्टेंसेस को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से मैंने नोट किया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरे बड़े ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, समझ में आई बात को नहीं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम टाइम्स एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी राइट। तो कैन यू सी दैट यू हैव गॉट अ रिकर्सिव, यू हैव गॉट एन इक्वेशन इन एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका यूज करके एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं, तो इसका यूज करके मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। नहीं सेम आइडिया यू कैन यूज, अगर मान लो रेक्टेंगल का मान लो डायगनल के अबाउट पता करना, अब तो मैंने तुम्हें वैसे बहुत आसान मेथड दे दिए, वो डायरेक्शन को साइन वाले से ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसे ही चक से खत्म हो जाएगी, बट यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस मेथड हैड यू नॉट नोन दैट डायरेक्शन को साइन वाला फॉर्मूला, फिर भी स्केलिन ट्राइंगल के लिए यूजफुल है। रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं, इसको चार रेक्टेंगल्स में तोड़ लेते, जिसमें से दो रेक्टेंगल तो इसी पे लाई करते और दो में पैरेलैक्स थ्योरम लगती है राइट, या फिर ऐसे ही मेरे पास मान लो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का बॉडी डायगनल के अबाउट निकालना होता लेटर से, तो इसको आठ सिमिलर क्यूबॉइड्स में तोड़ देते, आठ में से दो क्यूबॉइड तो बॉडी डायगनल पे पड़ते और छह में पैरेलैक्स थ्योरम लगती, समझ गए कि नहीं। तो अननोन फंक्शन जो एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, उसके लिए हम ऐसे रिकर्जन करके इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल के लिए अभी तो जैसे डायरेक्शन को साइन वाला फॉर्मूला पता, तो खाली स्केलिन ट्राइंगल के लिए मैं कहूंगा थोड़ा यूजफुल है, बट अदरवाइज अगर वो फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्यूबॉइड के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, ट्राइंगल के लिए कहीं पे भी ये लगा सकते थे। तो आई होप ये रिकर्जन वाली बात सभी को समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक अननोन फंक्शन के लिए, ठीक है। बाय द वे
एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय नोट्स बट हो सकता है मैं बाद में ऐड कर दूं। इस तरह से एक क्वेश्चन होता है कि ट्राइंगुलर लैमिना लिया, उसके बीच में से ट्राइंगल उड़ा दिया, फिर जो हर ट्राइंगल है इसके बीच में से फिर से एक एक ट्राइंगल उड़ा दिया, समझ गया, ऐसे करके ऐसे उड़ा दिया, समझ में आ रहा है क्या किया, ऐसे उड़ा दिया, फिर इसके ट्राइंगल, फिर इसमें से ये ट्राइंगल उड़ाते चले गए, तो ये फ्रैक्टल बन, इसको फ्रैक्टल बोलते हैं। तो फ्रैक्टल ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकालना है, तो इसमें भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा के कर सकते हो। इसमें ये चीज यूज करते हैं कि जो ओरिजिनल ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके जो वन फोर्थ पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलर है, देयर जस्ट द स्केल्ड वर्जन ऑफ ईच अदर, और उसके अंदर पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट लगा के ये पूरे बढ़ेगा बनेगा, बात समझ आएगी नहीं, वापस इसका यूज करके कुछ रिकर्जन टाइप की इक्वेशन आ जाती है, एंड देन यू आर एबल टू सॉल्व फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्रैक्टल ट्राइंगल। या फिर डेविड मॉरिन में क्वेश्चन है जहां पे फ्रैक्टल स्क्वायर भी है, मतलब स्क्वायर के बीच में से ये पार्ट उड़ाया, फिर उसके बाद हर छोटे स्क्वायर में से ये वाला पार्ट उड़ा दिया, समझ गए, फिर उसके बाद फिर समझ गए ना, ऐसे ऐसे डिवाइड करके फिर सेंट्रल पार्ट उड़ा दिया, फिर हर स्क्वायर का छोटा सेंट्रल पार्ट उड़ा दिया, तो ऐसे करके फ्रैक्टल चलते चलते जा रहा है, इनफाइनाइट बार उड़ाते चले जा रहे हैं, और फिर पूछने की जो बचा हुआ स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कैसे निकलेगा, तो यही मेथड लगा सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारी क्रिएटिविटी के लिए भी छोड़ सकते हो, छोड़ दो। बाकी जो फ्रैक्टल ट्राइंगल है इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा मेरे दूसरे चैनल पे, फ्रैक्टल ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता वो मैंने बनाया हुआ, ठीक है, कोशिश करना, खेलना इन सब आइडियाज से। ऑलराइट, ठीक है, तो आज हमने कई और ज्योमेट्रीज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ही थोड़ा खेला हमने, ठीक है, और कुछ कुछ नए आइडियाज सीखे, और अब बचा क्या, फिर कुछ एक एक दो प्रॉब्लम और करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द डायनामिक्स ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन, ठीक है, इसके बाद फिर डायनामिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।